मतदान को लेकर सभी पार्टियों का अपना अपना अलग अलग दावा है। हालांकि मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच माना जा रहा है। पिछले परिणाम की बात करें तो समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है इन दोनों ही सीटों पर, लेकिन इस बार बीजेपी ने पूरी पूरी कोशिश की है सेंधमारी करने की, और इसीलिए आपने देखा कि किस तरह से जोर शोर के साथ बीजेपी प्रचार करते हुए नजर आए। बड़ी खबर इस वक्त यही है कि वोटिंग लगातार हो रही है, सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। हम आपको दोनों ही सीटों का समीकरण भी लगातार दिखा रहे हैं और साथ साथ हम आपको यह भी अपडेट कर रहे हैं कि मतदान केंद्रों पर सुबह से जो वोटिंग हो रही है उसकी तस्वीर क्या कुछ है, किस तरह उत्साहित नजर आ रहे हैं मतदाता। ये देखिए आजमगढ़ सीट पर आप हाल देखिए, यहां पर निरहुआ और धर्मेंद्र यादव के बीच में कड़ा मुकाबला है। उधर रामपुर की तस्वीर भी आपको जाननी चाहिए, यहां पर घनश्याम सिंह लोधी है चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से और उन्हें टक्कर दे रहे हैं समाजवादी पार्टी से आसिम राजा। दोनों ही सीटों पर एक बार फिर से हम आपको ये अपडेट कर दें, दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है इससे पहले, और इस बार बीजेपी पूरी पूरी कोशिश के साथ मैदान में दिखी है। सीएम योगी भी आपको नजर आए होंगे प्रचार प्रसार करते हुए, लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि देखिए आजमगढ़ सीट की जब हम बात कर रहे हैं तो यहां से निरहुआ मैदान में है बीजेपी की तरफ से, उधर आप देखिए कि धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से मैदान में, लेकिन गुड्डू जवाली जो कि बसपा से मैदान में है कहीं ना कहीं जरूर खेल बिगाड़ते हुए नजर आ सकते हैं आपको समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव का। यानी कि जो सीट आजमगढ़ बहुत ही इंटरेस्टिंग, यहाँ के समीकरण जरूर दिख रहे हैं, वहां की जनता को भी आप बार बार जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर सुन रहे थे, हमारे जो सहयोगी वहां की आम जनता से बात लगातार करते रहे, क्या उनके मुद्दे हैं ये जानने की कोशिश की। अभी सुबह भी आप तस्वीर देख रहे थे कुछ देर पहले, ओनली फॉर विकास ये कह रही है वहां की जनता, और इसी को अपने जहन में रखते हुए अपने मत का इस्तेमाल कर रही है। अभी फिलहाल बड़ी खबर यही है कि दोनों ही सीटें जिन पर कांटे की टक्कर है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में, दोनों ही सीटों पर वोटिंग चल रही है। सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है, शाम 6 बजे तक यहां पर वोटिंग होनी है। हालांकि एक और सभा की साख दांव पर है तो दूसरी ओर बीजेपी ने इन सीटों को नाक का सवाल बना लिया है, और इसीलिए आपने देखा कि सीएम योगी की जनसभा भी हुई है। जब प्रचार का शोर थम रहा था तो आखिरी वक्त तक सीएम योगी रामपुर में जनसभा करते हुए नजर आए और यहां पर बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी के पक्ष में वोट करते हुए वोट की अपील करते हुए यहां पर नजर आ रहे थे। आप देखिए तस्वीर में आपको दिखाने का कार्य कर रहे हैं, आप इन लंबी लंबी लाइनों से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने उत्साहित है आजमगढ़ और रामपुर की जनता अपने मत के इस्तेमाल करने को लेकर। और इसी बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता शमशी आजाद भी हमारे साथ है, सपा नेता डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है रुद्र प्रताप दुबे हमारे साथ। एक बार रुद्र प्रताप दुबे का ही रुख कर लेते हैं, राजनीतिक विश्लेषक है सर आप चूंकि आप महत्वपूर्ण तरीके से ये बात समझते भी है कि इससे पहले के परिणाम भी आपने देखे और इस बार की बात करें तो सपा और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है, लेकिन एक सीट रामपुर यहां पर बीएसपी ने उम्मीदवार नहीं उतारा है, इसके पीछे आप क्या पॉइंट्स मानते हैं, क्यों ऐसा बीएसपी की तरफ से किया गया, क्या कारण हो सकता है? देखिए दो बड़े कारण देख लीजिए, एक तो जो मुख्य विपक्षी पार्टी होने का दावा करती है राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस, आप देखिए उसने दोनों जगह पे चुनाव नहीं लड़ाया। कांग्रेस आज इस हालत में है कि ना उनके पास पार्टी अध्यक्ष चुनने के लिए कोई व्यक्ति मिल पा रहा है और ना चुनाव लड़ने लायक, जीतने की तो बात छोड़ दीजिए, तो चिंतन शिविर से क्या हासिल कर रहे हैं ये देखना पड़ेगा। दूसरी बात, बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा चुनाव में बेहद लचर प्रदर्शन था, लेकिन वो एक सीट पर लड़ रही है और अच्छा चुनाव लड़ रही है और त्रिकोणीय चुनाव बना रखा है बहुजन समाज पार्टी ने, ये एक पॉइंट है। तीसरा एक जरूरी पॉइंट कि देखिए लोकतंत्र में आपको जीत या हार की जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी, यह सहभागिता से चलने वाला है, आप चुनाव प्रचार में सिर्फ अपने कैंडिडेट को उतार के हट नहीं सकते, नेताओं का यह दायित्व है कि आगे बढ़ के अपनी विकास योजनाओं को बताएं, अपने प्रोग्राम्स को बताएं। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री को उतारा, दोनों डिप्टी सीएम उतरे, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह उतरे, लेकिन समाजवादी पार्टी दूर रही, खुद उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष इन प्रचारों से दूर रहे, तो यहां पे भी यह सवाल उठता है कि सहभागिता से अलग रहना क्यों, अगर आपने अपना कैंडिडेट दिया है तो आपको बताना चाहिए था कि पिछले 3 सालों में क्या हुआ, अगले 3 सालों का रोड मैप क्या है। आजमगढ़ में स्थिति इसलिए बेहतर है कि गुड्डू जमाली जो पिछली बार AIMIM से लड़के भी उन्होंने 34,000 के करीब वोट पाए थे, 100 कैंडिडेट AIMIM ने खड़े किए थे जिसमें 99 की जमानत जब्त हुई थी, लेकिन गुड्डू जमाली
इतने अच्छे वोट पाके आए थे, और शायद यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी से वो मुख्य टक्कर में है। अगर इसके बनिस्बत आप रामपुर को देखें तो रामपुर में भारतीय जनता पार्टी हालांकि जीती है, डॉक्टर नेपाल सिंह भी जीते हैं, मुख्तार अब्बास नकवी भी जीते हैं, लेकिन वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ नहीं माना गया। जैसे आजमगढ़ से भी एक ही बार जीती है भारतीय जनता पार्टी रमाकांत यादव के तौर पर, लेकिन आपको वहां यह भी देखना पड़ेगा समाजवादी पार्टी वहां 3 बार जीती है। रमाकांत यादव पहले समाजवादी पार्टी से जीते, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से जीत गए। मुलायम सिंह यादव जी वहां से चुनाव लड़के जीते, लेकिन आपने आजमगढ़ सीट की भी बात की है, इस पर एक छोटा सा सवाल। शिवानंद द्विवेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है सर आपका जी मीडिया पर। आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है, गुड्डू जमाली बसपा से मैदान में है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव मैदान में है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं आजमगढ़ सीट पर अगर हम बात करें तो निरहुआ को हो सकता है फायदा जरूर हो जाए इस बात का, क्योंकि गुड्डू जमाली खुद मैदान में है, तो वो हो सकता है नुकसान पहुंचा दे धर्मेंद्र यादव को? शिवानंद जी, नहीं, निश्चित तौर पे गुड्डू जमाली मैदान में है तो नुकसान पहुंचाने की जो बात है वो नुकसान पहुंचाएंगे भी। और पैटर्न अगर आप देखिए तो आजमगढ़ की जो सीट रही है वो किसी एक पार्टी के परंपरागत सीट के रूप में कभी भी नहीं रही है। हाँ। ये सही बात है कि वहां का जो वोट समीकरण है, जो जातिगत समीकरण जिसकी व्याख्या राजनीतिक विश्लेषक करते हैं अपने अपने ढंग से, उस पैटर्न में अगर आप जाएंगे तो आजमगढ़ की सीट भाजपा को बहुत टूट नहीं करती है। लेकिन जब मुलायम सिंह यादव 2014 में चुनाव लड़े थे, मुकाबला त्रिकोणीय था, और उस बार बहुत कम मार्जिन से रमाकांत यादव जो भाजपा से चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, हर एक विधानसभा बार आप उठा के देखिए तो बहुत कम मार्जिन से रमाकांत यादव कहीं कहीं पीछे चलते थे, सिर्फ 6% के वोटों का अंतर था दोनों के बीच। तो ये इसके पीछे सिर्फ यही कारण था कि मुकाबला उस बार भी त्रिकोणीय था। हमने जो 2019 में देखा जब अखिलेश यादव वहां से चुनाव जीते, तो उसमें क्या था कि सपा माने दलित, यादव और मुस्लिम, ये जो तीनों जातियां एक तरफ से गोलबंद हो गई सपा के साथ क्योंकि गठबंधन था, तो उसमें अखिलेश यादव का मार्जिन इतना ज्यादा दिखा कि ऐसा लगा कि ये सपा की एक तरफा सीट है, लेकिन वो सपा की कभी एक तरफा सीट नहीं। आज गुड्डू जमाली अगर बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो निश्चित तौर पे इसका नुकसान समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को होगा, और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे अगर 2014 में मुलायम सिंह, उसके बाद अखिलेश यादव और अब धर्मेंद्र यादव, ये परिवार के लोग चुनाव बार बार लड़ रहे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो रमाकांत यादव का प्रभाव हो वैसा ही धर्मेंद्र यादव का प्रभाव हो ये वाकई जरूरी नहीं है। लेकिन ये तो खैर कुछ देर बाद ही क्लियर हो पाएगा कि जनता किसको चुन रही है। बहरहाल मैं आपके पास अभी लौटती हूँ, शमशेर आजाद साहब भी इस वक्त बीजेपी से हमारे साथ है। शमशेर आजाद साहब, दोनों सीटों पर कड़ा मुकाबला है, टक्कर इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार परिणाम आपके पक्ष में नहीं आए, इस बार क्या लग रहा है कैसा परिणाम होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, नहीं, आपने सही कहा कि परिणाम इसके पहले हमारे पक्ष में नहीं था 2019 में, लेकिन जब हमारी सरकार दोबारा से बनी है तो जनता में ये विश्वास जरूर जागा है कि अब ऐसी स्थिर सरकार के प्रत्याशियों को चुना जाए जो हमारे जिले का विकास कर सके। और सबसे पहले आप देखिए आजमगढ़ में हमको फायदा गुड्डू जमाली भी पहुंचा सकते हैं, और आजमगढ़ में रमाकांत यादव, जो अंदरूनी खबर है कि रमाकांत यादव बसपा से भी जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी जीते हैं, वहां तो इसके पहले भी वो सांसद रह चुके हैं और विधायक इस वक्त समाजवादी पार्टी जरूर है, लेकिन उन्होंने सांसदी का टिकट मांगा था और टिकट न मिलने की वजह से उनके साथी और वो जो है अंदरूनी खबर ये है कि नाराजगी उनकी जरूर है और वो चाहते ये है कि बाहरी कोई आदमी आजमगढ़ में दखल न दे। और वहां की जनता भी ये चाहती है कि हम ऐसा प्रत्याशी चुने, निरहुआ यादव जबकि हारे हैं लेकिन उसके बाद भी आजमगढ़ लगातार जाते रहे, कम से कम उन्होंने 16 बार वहां आजमगढ़ का दौरा किया है, तो उससे वहां की जनता में एक विश्वास जरूर है कि अगर ये हारेंगे तो भी जीतेंगे, तो भी हमारे बीच में रहेंगे, हमारी समस्याएं सुनेंगे, और ज्यादातर परिक्षेत्र और वहां के लोगों से वो रूबरू हो चुके हैं।